मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में आने वाले उपचुनाव और संगठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज ने इस दौरान सत्ता और संगठन के कार्यकर्ताओं को उपचुनाव और संगठन को विस्तृत रूप से मजबूत करने के लिए मंत्र दिया। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ को जमकर आड़े हाथों लिया। दरअसल हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हुई लाठीचार्ज को लेकर अधिकारियों पर चेतावनी भरे लहजे में बयान दिया था, जिसके जवाब में सीएम शिवराज ने कहा कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इसी के साथ सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम पर जमकर निशाना साधा। रस्सी जल गई, कमलनाथ जी आजकल कर्मचारियों को धमका रहे हैं, देख लूंगा, मिटा दूंगा, जांच करवा दूंगा। 15 महीने क्या कर रहे थे? ये धमकाने वाला अंदाज अलोकतांत्रिक है, अभारतीय है। मध्य प्रदेश के कर्मचारी और अधिकारी कर्तव्यनिष्ठ है, लेकिन लगता है कि बुरी तरह बौखलाए हुए। मैं देख लूंगा, मैं कहता हूं पहले कांग्रेस पार्टी देख लो। छत्तीसगढ़ की निर्वाचित सरकार दिल्ली में परेड कर रही है। इसी के साथ पत्रकारों से चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा बना हुआ है और पंजाब में पंजा लड़ रहा है, राजस्थान राजफास कर रहा है एक दूसरे से, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। तो कांग्रेस की स्थिति तो अब ऐसी हो गई है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। ये 3 प्रदेशों में सरकार बनी है, अगले चुनाव के बाद आप ढूंढते रह जाओगे। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। अब देखना है कि उपचुनाव के करीब आते आते बयानों के घमासान में और क्या देखने को मिलता है। भोपाल से मृदुभाषी के लिए मोहम्मद ताहिर खान की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।